नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज की खबर जो काफी अहम खबर है और ये राशन कार्ड से जुड़ी हुई है। राशन कार्ड एक अहम दस्तावेज माना जाता है हमारे देश में। इस दस्तावेज का एक मूल निवास प्रमाण पत्र जहां ये है, वहीं साथ में गरीब लोगों के लिए राशन कार्ड बहुत ही अहम एक दस्तावेज है, क्योंकि उसी राशन कार्ड से उनको उनके धान की सेफ्टी, फूड सुरक्षा जो है वो उनको मिलती है। अलग अलग तरह के कैटेगरी के राशन कार्ड है, उसमें येलो और केसरी राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा या तो फ्री में या बेहद सस्ते दामों पर धान उपलब्ध करवाया जाता है। अब इसमें कई मापदंड है कि कौन इसको हासिल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग आज भी धड़ल्ले से उन मापदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो अब सरकार ने नकेल कसी है और सरकार ने कुछ नियमावली तैयार की है। अगर आप उस नियमावली में नहीं बैठ रहे हो, फिर भी आप अगर कंट्रोल का राशन लेते हो तो आपके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। इसी सिलसिले में वसई तहसीलदार मैडम श्रीमती उज्ज्वला भगत ने अपना एक वीडियो बयान जारी करते हुए आह्वान किया है राशन कार्ड धारकों को कि जो ऐसे राशन कार्ड धारक है जिनके पास अपना खुद का चार पहिया वाहन है, जिनका खुद का अपना घर या फ्लैट है, लाइसेंसी हथियार है, ऐसे सभी लोग राशन कार्ड, राशन पे मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ दे, राशन कार्ड अपना सरेंडर कर दे। हालांकि राशन कार्ड को एक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करना अभी भी कहीं पे मना नहीं है। तो सुनिए वसई तहसीलदार मैडम का क्या कुछ कहना है, और अगर आप भी इस तरह से कहीं पे भूलवश इसमें शामिल है तो जरूर इससे बचिए आने वाले समय में, नहीं तो जब सर्वे होगा उस समय आप भी मुश्किलों में आ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। वसई तालुक्यात प्राधान्य कुटुंब लाभार्थीची संख्या 575,759 सदस्य इतकी आहे व अंत्योदय योजनेचे कार्डधारक आपले 3,714 आहेत। आणि अजूनही तालुक्याची जी मागणी आहे, 16,000 सदस्य वाढीव धान्यासाठी आपल्याकडे मागणी करत आहेत। शासन निर्णय, शासनाच्या 2016 शासन निर्णयानुसार ज्या रेशन धारकाकडे शासकीय नोकरी आहे, आयकर भरणार आहे, चारचाकी वाहनधारक आहे, अशा सर्व सिधापत्रधारकांनी स्वच्छेने या योजनेचा लाभ सरेंडर करावायचा आहे। तरी याद्वारे सर्व नागरिकांना, शिधापत्रधारकांना आवाहन करण्यात येते की जे सदस्य शासकीय नोकरी करणारे आहेत, आयकर धारक आहेत, चारचाकी वाहन असेल, त्यांनी सर्वांनी आपला जो लाभ आहे अन्नधान्याचा तो सोडून द्यावा। यामुळे त्यांचं सिधापत्रिका रद्द होणार नाही किंवा ते अपत्राही ठरणार नाही, केवळ त्यांना त्यावर धान्य घेता येणार नाही। तरी माझी सर्व नागरिकांना, शिधापत्री धारकांना विनंती राहील की त्यांनी या योजनेला प्रतिसाद द्यावा। आतापर्यंत साधारण 200 लोकांनी आपला अन्नधान्याची हक्क जो आहे तो सोडलेला आहे। तरी याद्वारे मी आवाहन करते की अधिक लोकांनी, जास्तीत जास्त लोकांनी आपला हक्क सोडावा। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।